गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। और भाई ये देखो मेरी बात सुनो, मैंने गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चाहिए यार। तो आज का सीन ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ गीतांश को छोड़ने जा रहा हूँ अमृतसर। और भाई सबको हेलो बोल दो। हेलो। और भाई इसको मैं अमृतसर आज छोड़ने जा रहा हूँ, संडे है आज, क्योंकि आज ये उस दिन का ही मेरे साथ आ गया था यहाँ पे, और अभी मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ अमृतसर। और अमृतसर मुझे काम भी है एक, वो भी मैं करूँगा जाके वहाँ पे लिबर्टी मार्केट में। मुझे काम कोई किसी बंदे से मिलना है, कोई चीज़ डिस्कस करनी थी मैंने कोई, इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी छोड़ आता हूँ साथ में और अपना काम भी। मैं फिर नहीं यहाँ पे रहूँगा, कल फिर मुझे कहीं जाना है, कहीं मुझे बाहर जाना है, कल जरूरी काम है कल भी, क्योंकि यार 4-5 दिन हो गए हमें घूमते आ गई बाहर, काम तो हुआ ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। अभी काम ही करने हैं, आज संडे है, संडे के बाद जो कल मंडे से अभी काम ही काम है, फिर उसके बाद कोई ट्रिप प्लान करेंगे, देखेंगे कहाँ पे बनता है ट्रिप या क्या कैसा है सिस्टम, बाकी आपको पता लग ही जाएगा कहाँ पे बनेगा ट्रिप कहाँ पे नहीं, ठीक है ना। तो बाकी गाइस अभी चलते हैं अमृतसर और देखते हैं कुछ करने को वहाँ पे क्या है यार, आज क्या ही होगा अमृतसर में करने को, समझ नहीं आ रहा क्या करें आज के ब्लॉग में। चलो किसी तरह ब्लॉग तो पूरा करना ही है ना आज का, बाकी देखते हैं आगे जाके। तो गाइस टोल आ चुका है सामने। आपको यार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई लोगों को नहीं पता टोल का सिस्टम जो है पास का, मंथली पास का। कई लोग मतलब कोई भी शहर हो यार, चाहे जो मर्जी टोल प्लाजा हो, कई लोग यहाँ पे मंथली पास बनवाने आते हैं ऑफिस में इनके। भाई इनकी साइट भी है, इनकी साइट है गाइज IHCML की, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं जरूर डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पे जाके आप मंथली रिचार्ज कर सकते हो यार, आराम से कर सकते हो। अगर मतलब YouTube पे भी वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे मंथली रिचार्ज करना है उसका, आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे ही कर सकते हो अपने ऑनलाइन ही सिस्टम से। मतलब यार आप सोच लो कि आप गाड़ी का भी रिचार्ज कर सकते हो मंथली पास का, ट्रक का भी कर सकते हो और बस का भी कर सकते हो, जो चीज भी आपके पास है आप उसका रिचार्ज कर सकते हो मंथली पास का, उसमें सारी चीज अवेलेबल है। इनकी साइट ही है वो IHCML वालों की, नेशनल हाईवे वालों की है साइट, उस पे आप जाके आराम से अपना रिचार्ज करो, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको गर्मी में खड़े होने की। आगे वैसे गर्मी आ रही है, गर्मी में कौन ही आएगा रिचार्ज करवाने यहाँ पे। मैं तो भाई मुझे 5-6 महीने हो गया, मतलब आज मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑनलाइन भी आप मंथली पास का रिचार्ज कर सकते हो। कई लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, कई लोग यहाँ पे ही करवाने आते हैं, मैं भी पहले यहाँ पे ही आता था, मुझे भी किसी भाई ने बताया था, भाई दिल्ली का भाई था वो, इधर तो किसी को अभी तक पता ही नहीं है कि आप ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप ऑनलाइन कर सकते हो, आराम से करो ऑनलाइन, कोई चक्कर नहीं है। चलो ठीक है भाई, फिर ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। अभी का सीन ऐसा है, अभी गीतांश को उतार दिया मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ लिबर्टी मार्केट पहले काम करना कोई, जो मैंने काम करने आया हूँ जो मैं, फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता क्या नहीं। तो गाइस अपना काम भी हो गया यार लिबर्टी मार्केट से, और मैंने न्यूट्री कुलचा भी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने वहाँ से कुछ खा भी लिया घर में। वैसे तो आलू पूरी बने हुए हैं लेकिन मैं सुबह खाना नहीं खाता, कम ही यार खाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरी आदत को, मैं खाना बहुत कम खा रहा हूँ सुबह यार। मतलब सिस्टम सही करना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं करेंगे यार सिस्टम सही। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ रंजीत एवेन्यू, वहाँ पर भी कोई काम है यार, काम ही नहीं यार, मतलब इतने काम आ जाते हैं ना जिस दिन अमृतसर आ जाओ, कोई काम ही नहीं खत्म होते। रंजीत एवेन्यू भी किसी से मिलना है। तो गाइस मैं यार घर आ गया था, ये देखो हमारा शेर ब्रूनो, इसके साथ अभी मैंने ट्रिप पे जाना है, मैंने सोच लिया इसको लेके जाऊंगा। वैसे तो ये गाड़ी में जाता नहीं कहीं, एक दो बार ही गया हुआ मेरे साथ बस, इसको अभी मैं कहीं दूर लेके जाऊंगा पहाड़ों में यार, ये भी घूमाएगा, चलो बेचारा मेरे राज में ये भी घूमाएगा, कोई नहीं। अभी मैं आपको अपने कान्हा जी से मिलाता हूँ, ये देखो क्या कर रहा है ब्रूनो, हेलो कर कैमरे में, वो देख रहा है क्या हो रहा है, ये मेरी शक्ल ही है ना, ये देखो ब्रूनो, ये हेलो, ये कौन है, ये कौन है, तू ही है ना, ओए ओए भाग गया, गेट खोला ना, उसको लगा भाई बाहर जा रहा है यार। इसके एक तो हर घर में यही प्रॉब्लम है, सबके बाल झड़ते हैं, ये कुत्तों के बाल बहुत यार उतरते हैं इनके, अभी गर्मी आने लगी है बस इनके बालों की बौछार चालू हो जानी है अब। ये देखो गाइस हमारे कान्हा जी, बाबा श्याम जी भी रखे हुए, बाला जी भी है हमारे यहाँ। बाकी हम ये पूड़ी आलू का भोग लगा रहे थे, अभी बनाई थी पूड़ी आलू मम्मा ने, और पूड़ी आलू का भोग लगा रहे थे, अभी चलो भोग लगने देते हैं उनको। तो एंड नहीं होगा आज, क्योंकि यार आज का व्लॉग पूरा नहीं हो पाया, कल मैंने जाना बाहर कहीं बटाला से, और कल एक चीज़ गाड़ी पे मैंने बनवानी है पीछे, और वो आप लोगों को भी सभी को बनवानी पड़ेगी, अगर सच्चे हिंदू हो ना
वो चीज़ आपको बनवानी पड़ेगी। मतलब गाड़ी पे लगवाओ, चाहे अपनी बाइक पे लगवाओ, चाहे स्कूटी पे लगवाओ। जो मैं भी पूड़ी आलू खाऊंगा। और यार अभी मतलब टाइम तो कुछ नहीं हुआ यार, पौने नौ हुए अभी सारे। बाकी लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखते हैं सीरीज़। एक रात को मैंने सीरीज देखी थी राणा नायडू, नेटफ्लिक्स पे आई है, बहुत अच्छी सीरीज है, आप देखो जाके। और अभी दूसरी एक और मैंने देखी थी, उसके सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं अभी, वो भी मैं अभी देखूंगा। यार बंदा घर पे टाइम पास हो ही जाता, चलो इतना ही बहुत है यार। मतलब नेटफ्लिक्स देखी जाओ, अमेजोन देखी जाओ, सीरीज़ वेब सीरीज़ से टाइम पास हो ही जाता बंदे का। यही देखते देखते भाई पता क्या होता है, मतलब एक सीरीज देखनी शुरू कर दो ना, फर्स्ट एपिसोड देख लिया, सेकंड एपिसोड देख लिया, बंदा सोचता है चलो रात के 3 भी बज जाए ना जाए, बंदा सोचता है चलो अब देख ही लेते हैं यार। एक एक ना मतलब सस्पेंस जो होता ना वो बढ़ जाता है देखने का, सस्पेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार आगे क्या होगा, आगे नहीं। बंदा टाइम नहीं देखता फिर, चाहे 4 बज जाए, 5 बज जाए, मतलब बंदा देख के ही सोता है। सुबह मैं 5:30 बजे सोया था, रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ राणा नायडू वाली सीरीज देखना, 10-11 एपिसोड थे उसके। सुबह 6 बजे सोया था मैं, 5:30-6 बजे। खुद देख लो कि मतलब बंदे को ऐसा यार बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो देख ही जाता बस। बाकी मिलते हैं सुबह आपको, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस ये चेक करो सिस्टम, हिंदू, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। यार एक वो भी था गर्व से हिंदू है, लेकिन मैं ये वाला लगाऊंगा अकेला हिंदू, यही अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा जब लगेगा ना भगवे रंग का लगवाने लगाओ, क्योंकि वही भगवा रंग का भगवा रंग ही लगाओ। अरे यहाँ पे लगवाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही सही रहेगा ये, क्योंकि बीच में स्टिकर भी है ना, फिर यहाँ पे ही सही रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा था उधर लगवा लूँ, लेकिन उधर कोई फ़ायदा नहीं है, इधर ही सही है। बाकी अभी बनेगा फिर अच्छा लगेगा, फिर देखना। तो गाइस अब चेक करो हिंदू, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। और भाई ये देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे मेरे बाबा श्याम जी का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए मेरा थोड़ा मैंने चलो नॉर्मल साइज है, फिर भी यार ठीक लग रहा है, साइज बड़ा साइज है। मतलब बताओ यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और मैं आप सबको यही बात बोलूँगा कि आप यार आप भी लगवाओ ये हिंदू वाला स्टिकर, गर्व से बोलो हम हिंदू है। अगर भाई मानते हो ना, अगर हिंदू हो सच्चे, तो ये स्टिकर ज़रूर लगवाओ, चाहे अपनी स्कूटी पे लगाओ, बाइक पे लगाओ, जो भी आपके पास है, ट्रक का जो भी है, हिंदू ये लगाओ ही लगाओ, ठीक है। बाकी बताओ कैसा लग रहा है स्टिकर, अच्छा लग रहा है ना। मेरे दिमाग में यार रात में एकदम से आया यार कि मैं ये स्टिकर बनवाऊंगा, कल के कल ही बनवाऊंगा। मैंने तभी रात को बोला था आपको कि मैं बनवाऊंगा ये स्टिकर। बाकी अभी गाड़ी लगाते हैं, मैं अभी गुरदासपुर से वापस आया हूँ और पहले ये काम किया सबसे पहले। इस गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, मतलब बताओ आप ही बताओ मन खुश हुआ या नहीं हुआ आपका। ये चीज़ भाई मेरे दिमाग में चल रही थी कितने दिन की कि मैं लगवाऊं हिंदू वाला स्टिकर, लगवाऊं यार ये अपने धर्म का प्रचार है एक, ठीक है ना, भाईचारा जिंदाबाद रहना चाहिए हिंदू भाईचारा, ओके। बाकी सिस्टम कैसा लगा आपको, अच्छा ये अच्छा लगा या नहीं लगा ये जरूर बताना कमेंट में। अगर भाई मानते हो ना, सच्चे दिल से भाई मानते हो हिंदू हो, और ये कमेंट जरूर करना। बाकी देखो गाइस, इसमें मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बोल रहा, ठीक है, एक सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म का मैंने स्टिकर लगवाया कि ये हिंदू धर्म अपना, मतलब पता लगना चाहिए कि हम हिंदू हैं, ठीक है ना भाई। जैसे आज का माहौल है, पता लगना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू गर्व से है, ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि आप सबको यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब कि अच्छा ये वीडियो भी तो चलो लगी होगी, वो एक बात है। मतलब जो आज मैंने काम करवाया हिंदू लिखवा के, आप सबको अच्छा लगा होगा मुझे यकीन है। मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया यार आज ये हिंदू लिखवा के, मतलब गर्व हो रहा है मुझे अपने आप पे भी। और भाई आप भी लिखवाओ यार, मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यार अच्छा काम किया मैंने या नहीं किया, ज़रूर बताना कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सभी भाइयों और बहनों के साथ अपनी ये मेरी वीडियो शेयर करो, ठीक है। बाकी उनको भी बोलो, अपने फैमिली रिलेटिव्स को जो भी है, आपके आगे आगे फ्रेंड्स दोस्त जो भी है, उनको बोलो अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू जरूर लिखवाएं, स्कूटी बाइक जो है आपके पास सब पे लिखवाएं। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।